हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन। स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर 10, लाइट रेडिस इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर। सो इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इन अ प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस अबाउट इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। आज कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन को किस तरीके से करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सारी चीजें हमने उसमें डिस्कस किया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें फर्स्ट कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर से जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इसके टू कंडीशन है। फर्स्ट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी एंड सेकंड पॉइंट इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द पोल। ठीक है, जब वो बियॉन्ड द पोल होगा एक कंडीशन होगा, जब वो इंफिनिटी पे होगा तो दूसरा कंडीशन होगा। दोनों कंडीशन में देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। ठीक है, तो फर्स्ट लेट सपोज कि ऑब्जेक्ट जो है कहां पे इंफिनिटी है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है। ये हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है, क्लियर? दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस एंड ये पॉइंट पोल हो गया। लेट सपोज ये हमारा फोकस F है और ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर C। लेट अस सपोज कि कोई भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, यहाँ पे A एंड B ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर एट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मींस कि बहुत लार्ज डिस्टेंस पर है, 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर है तो इट मींस वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है इस मिरर से। तो इस कंडीशन में अगर हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, टू रेज करेंगे पैरेलल व्हेन, दो रेज करेंगे यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई भी रे इंसिडेंट होता है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस और अपीयर टू गोस थ्रू द फोकस पॉइंट। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे लाइट को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा, इसको डाइवर्स करेगा, इधर डॉटेड लाइन से मीट करेगा ये, फिर अगेन इस पॉइंट पे यहां से भी ये डाइवर्स करेगा लाइट को, ठीक है, यहां पे भी ये लाइट का हुआ डाइवर्स होगा। तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज इंसिडेंट होता है, नाउ व्हेन टू रेज पैरेलल, टू रेज इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल टू रेज इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू और अपीयर टू गोस थ्रू द फोकस पॉइंट। ये वहां से जाएगा फोकस पॉइंट पे जाएगा और जब फोकस पॉइंट से जाएगा या जाता हुआ दिखाई देगा, अपीयर होगा। तो यहां पे लाइट जब डाइवर्स होगा, जब लाइट भी डाइवर्स करेगा तो ऐसा फील होगा कि ये दोनों डाइवर्जिंग जो रेज है ये कहां से निकल रहा है, फोकस से निकल रहा है, ऐसा हमें फील होगा। तो यहां पे इससे इमेज बनेगा एट पॉइंट F, कैसा बनेगा, देखो डॉटेड लाइन से मीट करने पे इमेज बनना है, तो इट मींस इमेज जो है हमारा वर्चुअल बनेगा। ठीक, तो नेचर अगर लिखेंगे इसका, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज दैट इज नेचर, नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल, कैसा इमेज होगा, वर्चुअल होगा। सेकंड इरेक्ट होगा एंड साइज जो है इसका पॉइंट साइज होगा, पॉइंट साइज या हम लिख सकते हैं इसकी जगह हाईली डायमिनिस्ड, ठीक है, हाईली डायमिनिस्ड क्वेश्चन होगा, बहुत ही छोटा होगा और एट फोकस एफ, और ये कहां पे बनेगा, फोकस एफ पे बनेगा, ये इसका नेचर हो जाएगा। तो सिंपली जब भी कॉन्वेक्स मिरर होगा, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है और इमेज हमेशा वर्चुअल होता है। And it also is smaller than the object. Now, let's see second condition. Case second, between infinity and pool. When object is placed between infinity and pool. जब object आपका infinity and pool के बीच में होता है, image कहाँ बनेगा? उसके बारे में discuss करते हैं।
लेट अस सपोज ये हमारे पास एक कॉन्वेक्स मिरर है, जैसे मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ठीक। लेट सपोज ये हमारा पोल है, ये फोकस है और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पे प्लेस्ड है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे इंफिनिटी एन पोल के बीच में रख दिया हमने कहीं ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। अगर इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो वन रेस ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वन रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोस थ्रू ऑप्टिकल सॉरी इट गोस थ्रू प्रिंसिपल फोकस और अपीयर टू गोस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पे ये लाइट भी अगर डाइवर्स करेगा, जब ये डाइवर्स करेगा तो ये फील होगा कि फोकस से पास हो रहा है। क्लियर? यहां से रेज जो है ये डॉटेड लाइन से मीट करेगा बैकवर्ड में, कि ये हमारा फोकस हो गया एफ। एंड एक रेज देते हैं हम पोल पे, अगर कोई भी रे पोल पे इंसिडेंट होता है तो जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। यहाँ पे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंड ये जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको अगर हम बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करते हैं, इसको ये करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करते हैं, तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड जो रे है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में कहीं ना कहीं मीट करेगा, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपका इमेज बनेगा। इस पॉइंट पे इमेज बनेगा ए एंड बी, इमेज ए डैश एंड बी डैश ठीक है। क्लियर है? मतलब मिनिमम आपको कितने रेस लेने हैं, टू रेस लेने हैं, थ्री से भी ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से भी ले सकते हैं, प्रिंसिपल फोकस से भी ले सकते हैं, एक रेस जो है आपका ऑप्टिकल सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी ले सकते हैं ठीक है। तो इसके नेचर अगर लिखते हैं, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज किस नेचर का होगा, फर्स्ट ये वर्चुअल होगा क्योंकि यहां पे रे जो है एक्चुअल में मीट नहीं कर रहा है, जब एक्चुअल में मीट नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में इमेज जो है आपका वर्चुअल होता है, तो फर्स्ट वर्चुअल होगा। सीधा है यहां पे तो इमेज इरेक्ट होगा आपका, सीधा होगा ठीक। अच्छा कैसा होगा, स्मॉलर देन, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से आपका छोटा होगा हमेशा ठीक। और लोकेशन क्या होगा इसका, बिटवीन पोल एंड एफ, मतलब इमेज हमेशा आपका पोल और फोकस के बीच में होगा ठीक है। तो जब भी हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स मिरर में आपका इमेज हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होगा, हमेशा वर्चुअल होगा, हमेशा इरेक्ट होगा, और इमेज जो है आपका हमेशा पोल और फोकस के बीच में होगा। ये कंडीशन है सबके लिए। वैसे अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, बाकी सारे कंडीशन सेम है। क्लियर? कोई डाउट? ठीक है चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का अगर यूज करते हैं तो प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो किस तरीके का इमेज फॉर्म करता है। लेट अस सपोज इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, फिर उसके नेचर को बताएंगे किस नेचर का होगा ठीक है। लेट अस सपोज ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे हमारा एक प्लेन मिरर है और इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। लेट्स सपोज कैसा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट है ए, और इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज जो है इस प्लेन मिरर से बनेगा, ये हमारा है प्लेन मिरर ठीक है। देखिए प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा,
सबसे पहले मिनिमम कितने टू रेज लेने हैं, फिर तो यहां पे टू रेज लेंगे, लेट्स सपोज एक यहां पे ले लेते हैं, ठीक ना, एक रेज आता है यहां पे इस ऑब्जेक्ट से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे यहां पे क्या जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन, उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगेन वन रेज लेते हैं, एक या तो आप परपेंडिकुलर ले सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे ले सकते हैं, ठीक है, तो एक एंगल दूसरे एंगल पे लेते हैं, एक रेज इस तरीके से, यहां पे एक रेज इंसिडेंट हुआ एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन ये इसी एंगल पे क्या होगा, जितने एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ उसी एंगल पे यहां पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां पे टू रिफ्लेक्टेड रेज है, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, इन टू रिफ्लेक्टेड रेज को अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करते हैं तो ये कहीं ना कहीं आके इंटरसेक्ट करेगा, यहां पे भी ले लेते हैं एक रेज परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर कोई भी रेज इंसिडेंट होता है तो नॉर्मली ये क्या होगा, बैकवर्ड हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, ये इसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो इस रे को बैकवर्ड मीट करते हैं, इन दोनों रेज को बैकवर्ड मीट करते हैं, स्केल से बनाना एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आगे ये तीनों रे जो है वो क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में एक इमेज बनेगा और दैट इज ए डैश, ठीक है। तो सिंपल से जब भी प्लेन मिरर से आपको इमेज फॉर्मेशन करना है तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी टू रेज दे लेंगे किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे, बस आपको याद रखना जितने एंगल पे इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल पे ये रिफ्लेक्ट बैक भी होगा, एक ही रूल है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे फॉलो करना है बस, दैट्स इट। अब जो रिफ्लेक्टेड रेज होंगे इन दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में मीट करना, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का एक इमेज फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। ये जो इमेज बनेगा इस इमेज का नेचर कैसा होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज व्हिच इज फॉर्मड बाय प्लेन मिरर, तो सबसे पहले ये जो इमेज यहां पे बनेगा ये डॉटेड लाइन के इंटरसेक्शन से बनना है, तो जब ये डॉटेड लाइन के इंटरसेक्शन से बनना है तो मतलब इमेज जो है आपका वर्चुअल होगा, मतलब इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते, आप इस इमेज को यहां पे खड़े होकर देख सकते हैं, अगर यहां पे खड़े हो गए तो यहां से खड़े होकर इस इमेज को देख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए आप यहां पे खड़े हो गए इमेज, ठीक है, यहां पे खड़े होकर अगर इस इमेज को देखना चाहेंगे तो यहां पे आप इमेज नहीं देख सकते, ये इमेज तभी आप देख सकते हैं जब इस मिरर के फ्रंट में खड़े होंगे, आप फ्रंट में कहीं पे भी हो 180 के ऊपर कहीं पे खड़े हो जाएंगे तो आपको ये इमेज यहां पे दिख जाएगा, अगर मिरर के बिहाइंड अगर आप खड़े होते हैं पीछे खड़े होते हैं तो आपको ये इमेज नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इमेज जो है आपका कैसा है, वर्चुअल है, ठीक है। तो फर्स्ट वर्चुअल इमेज होते हैं, सेकंड इरेक्ट होता है, इमेज होने से कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है। इरेक्ट मतलब जैसे आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हैं, जैसे टेबल के सामने खड़े हो जाते हैं तो आपको जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, ऐसा नहीं कि आपका पैर ऊपर और सर नीचे हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे खड़े होते हैं वैसे ही आपका इमेज बनता है, क्लियर है। दूसरी चीज इसमें वर्चुअल हो गया, इरेक्ट हो गया, सेम डिस्टेंस पर बनते हैं, एट सेम डिस्टेंस पर बनेंगे ये, मान लो अगर यहाँ पे आप 10 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े हैं, यहाँ पे भी पीछे जो इमेज बनेगा आपका 10 मीटर के डिस्टेंस पे ही बनेगा, तो सेम डिस्टेंस पे बनते हैं एंड सेम साइज के बनते हैं, सेम मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज का हमारा इमेज भी होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम साइज का भी होगा एंड यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन होता है, लेटरल इन्वर्जन, इसको हम पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, इसमें लेटरल इन्वर्जन में क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन का मीन होता है कि आपका जो लेफ्ट है वो क्या हो जाएगा, राइट में कन्वर्ट हो जाएगा और जो आपका राइट है वो आपके लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब अगर आप मिरर के फ्रंट में खड़े होते हैं तो आप अपना लेफ्ट हैंड अगर ऊपर उठाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा मिरर में देख के कि आपने अपना राइट हैंड जब रेस करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने लेफ्ट हैंड को रेस किया है, अगर आप लेफ्ट हैंड को रेस करेंगे तो आप अपने मिरर में अगर देखेंगे तो मिरर में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपने
आपका राइट हैंड को रेज किया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में, तो इमेज जो बनता है आपका वो लेटरल इन्वर्जन बनता है, मतलब उसमें लेफ्ट राइट में चला जाता है और राइट लेफ्ट में चला जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो ये कुछ नेचर होंगे प्लेन मिरर का, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नाउ नेक्स्ट, यूज ऑफ मिरर। मिरर का काफी यूज होता है, मोस्ट जो कॉमनली जहां यूज किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यूज ऑफ मिरर एंड यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का सबसे पहले कहां यूज किया जाता है, तो कॉनकेव मिरर का सबसे पहले यूज होता है टॉर्च लाइट में, ठीक, व्हीकल्स में, या व्हीकल्स के जो हेडलाइट्स होते हैं हेडलाइट में इसका यूज होता है। ठीक है, या सर्च लाइट जो होता है, सर्च लाइट में भी आपका कॉनकेव मिरर यूज होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो सर्चिंग टीम होते हैं जो कहीं गुफाओं वगैरह में जाते हैं, ठीक है, टनल्स वगैरह में जाते हैं, तो अपने साथ अपने हेड पे एक सर्च लाइट लगा के जाते हैं, तो सर्च लाइट में जो आपका मिरर यूज होता है वो कॉनकेव मिरर यूज होता है। रीजन ये है कि टॉर्च व्हीकल्स या हेडलाइट में जब लाइट बीम निकलता है उसमें से, तो इसका यूज किया जाता है पैरेलल लाइट बीम क्रिएट करने में, पैरेलल लाइट बीम क्रिएट करने। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास एक कॉनकेव मिरर होगा और इसके फोकस पे अगर कहीं पे भी एक टॉर्च या एक बल्ब हम क्या करते हैं कनेक्ट कर देते हैं या बल्ब को यहाँ पे रख देते हैं, और यहाँ से जब बल्ब ग्लो करता है यहाँ से लाइट निकलेगी इस तरीके से, जब यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगा मिरर से, ये सारे रेज जो है वो क्या जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहाँ पे हमें एक पैरेलल बीम मिलता है और इसी पैरेलल बीम का यूज होता है हेडलाइट में, क्योंकि हेडलाइट में हमें बहुत दूर तक देखना पड़ता है, तो उसके लिए हमें पैरेलल लाइट या पैरेलल बीम ऑफ लाइट क्रिएट करना पड़ता है। टॉर्च लाइट में भी हमें बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक देखना होता है, तो इसीलिए लाइट एक स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करे, तो इसके लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। एंड सेकेंड, इन अ शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में आपके फेस को बड़ा करने के लिए जब आप शेविंग करवाने जाएंगे इन फ्यूचर कभी, ठीक है, तो जो आपका सैलून वाला है वो मिरर जो यूज करता है वो कॉनकेव मिरर यूज करता है, ताकि आपका जो फेस बने वो बड़ा बने। अब जब फेस बड़ा बनता है तो फेस पे जो आपके हेयर्स हैं वो इजीली उनको दिख जाते हैं, तो इसीलिए सैलून में जो मिरर यूज होता है मोस्ट ऑफ वो कॉनकेव मिरर यूज होता है। नेक्स्ट, डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं, जो के डेंटिस्ट होते हैं टीथ के चेकिंग करने के लिए वो मिरर जो यूज करते हैं वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। रीजन ये है क्योंकि जो के टीथ है बहुत छोटे होते हैं और कॉनकेव मिरर का जब यूज करते हैं तो कॉनकेव मिरर से जो टीथ का जो इमेज बनता है वो लार्जर बनता है, वो बड़ा बनता है, तो बड़े इमेज को देख के वो इजीली उसको एनालाइज कर सकते हैं। इसीलिए डेंटिस्ट जो है अपने चेकिंग करने के लिए, टीथ वगैरह की चेकिंग करने के लिए, माउथ की चेकिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट लास्ट, सोलर फर्नेस में इसका यूज होता है। सोलर फर्नेस मतलब हमें किसी भी चीज को जलाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। सोलर फर्नेस में इसका यूज बेसिकली किस रीजन से होता है, क्योंकि एक सोलर फर्नेस में जब एक कॉनकेव मिरर लगा होता है तो जब सन से, क्योंकि सन हमसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, जब सन से इस तरीके के पैरेलल रेज आते हैं तो इन सारे पैरेलल रेज को कहां बीम कर देता है, फोकस पे। तो फोकस पे जब सारे लाइट या सारे लाइट रेस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं या मीट करते हैं तो इस पॉइंट का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर का यूज जो है आपका सोलर फर्नेस में भी किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। एंड नेक्स्ट, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो फर्स्ट, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के फॉर्म में। जब भी आपने देखा होगा कोई भी व्हीकल्स, चाहे आपका स्कूटर है, बाइक है, स्कूटी है, या कार है, कोई भी व्हीकल्स फोर व्हीलर्स है, तो उसके साइड में एक राइट हैंड साइड में एक लेफ्ट हैंड साइड में दो मिरर्स लगे होते हैं। जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, पीछे का व्यू देखने के लिए उस मिरर का यूज करते हैं। तो जो साइड में जो मिरर्स लगे होते हैं व्हीकल्स में जो रियर व्यू देखने के लिए होता है वो हमारा कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। रीजन क्या है कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे यूज करने का, तो हमने ये देखा है कि कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनता है वो इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनता है, स्मॉलर साइज का होता है। कैसा होता है, स्मॉलर साइज का होता है। अब यहाँ पे मेन रीजन इसका ये है कि इमेज इरेक्ट होने की वजह से उसको हम इजीली आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर यूज करें सॉरी कॉन्केव मिरर यूज करेंगे तो वहां पे क्या होगा कि जो पीछे से आने वाले जो व्हीकल से या जो पर्सन है उसका इमेज धीरे धीरे क्या होगा बड़ा होगा लार्ज होगा। एक कंडीशन है वो पूरी मिरर में हम देख ही नहीं पाएंगे उसको, और फिर जब आगे की तरफ आएगा वो फिर उसका मिरर पीछे बनेगा। तो पहले अगर कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं तो इमेज कैसा बनेगा, उल्टा भी बनेगा मतलब इन्वर्टेड भी बनेगा और इरेक्ट भी बनेगा, दोनों टाइप के मिरर बनेंगे। इमेज जो है आपका छोटा भी बनेगा बड़ा भी बनेगा, तो इसीलिए ड्राइवर को क्या हो सकता है कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसी कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ताकि इमेज हमेशा छोटा बने और इरेक्ट बने, ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो इसीलिए व्हीकल से रियर व्यू मिरर में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। सेकेंड, जो शॉप्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े शॉप्स होते हैं, शॉप्स में जो सिक्योरिटी मिरर्स के फॉर्म में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है, क्योंकि आप बहुत शॉप या मॉल्स वगैरह में भी लगे होते हैं कि जो शॉप ओनर्स होता है वो क्या करते हैं किसी वॉल पे एक बहुत बड़ा एक कॉन्वेक्स मिरर लगा देता है, और उसी कॉन्वेक्स मिरर पे अपने शॉप में जो भी कस्टमर्स होते हैं उन कस्टमर्स को देख सकते हैं। रीजन यही है अगेन कि हम कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी मिरर में, क्योंकि इमेज इरेक्ट होगा और स्मॉल होगा। मानते हैं शॉप में आने वाले कस्टमर की इमेज उल्टे हो जा रहे हैं, कभी पैरेलल हो जा रहे हैं, या कभी उसका शेप एंड साइज चेंज हो रहा है तो क्या होगा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो देयर आर सम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिए, ठीक ना। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डाउट सेशन में अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।